जैसे ही हिमाचल में मॉनसून ने दस्तक दी है, पूरे प्रदेश में सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते जिला मंडी के करसोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत थास थर्मी में शनिवार को नशा निवारण दिवस पर युवक मंडल थनाली सहित तीन महिला मंडलों, जिसमें ममलेश्वर महादेव महिला मंडल थनाली, देव थनाली महिला मंडल भडेला, जय नाग धमोनी करसोग महिला मंडलों ने पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के लगभग 300 पौधे लगाए गए। इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव निर्मला चौहान और वन विभाग के वन रक्षक उपस्थित रहे। महिला मंडलों ने पौधारोपण के साथ साथ क्षेत्र को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। महिलाओं ने आसपास के क्षेत्रों में भांग के पौधों को उखाड़ा, ताकि क्षेत्र और युवा पीढ़ी को नशे के शिकंजे से बचाया जा सके। जैसा कि आज नशा मुक्ति दिवस है, नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पे हम सभी लोगों के द्वारा भांग उखाड़ी जाएगी और पौधारोपण किया जाएगा। 26 जून जो कि नशा मुक्ति दिवस माना जाता है, इस दिन हमारे बीच आकर नशा मुक्ति समारोह में शामिल हुए, जिसमें कि सभी प्रकार के मतलब कि पौधारोपण किया गया और नशा मुक्ति जो भांग वगैरह उखाड़ी गई। इस नशा मुक्ति दिवस पर यहाँ पर जो है एक पौधारोपण का आयोजन किया। हम सब महिलाएं सभी युवा वर्ग आज यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है पौधे लगाने का कार्यक्रम रखा है, जो कि हम अभी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है जैसे नशा मुक्ति पर जो है हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छे कार्य कर रही है। आज भी जो है इन्होंने जैसे कि भांग उखाड़ रहे हैं और नशे के प्रति जो इन महिलाओं का योगदान है, मैंने इन महिलाओं के विचार सुने तो सभी महिलाओं ने जो है नशे को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने घर से जो है शुरुआत की और अपने क्षेत्र से जो है ये नशा मुक्ति दिवस पर हर तरह से जो है प्रयास कर रही है। ENTV के लिए मंडी करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट।